बॉलीवुड इंडस्ट्री में आलिया भट्ट की प्यारी सी बच्ची होने के बाद सबके चेहरे पर एक खिली हुई मुस्कान है, जहां पर महेश भट्ट और सोनी राजदान भी आलिया की बेटी होने के बाद अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मीडिया में वहीं दूसरी तरफ खबर फैली है कि नीतू कपूर को जब से पता चला है कि इनकी पोती हुई है, तब से इनके चेहरे पर वो चमक, वो खुशी देखने को नहीं मिली जो होनी चाहिए थी। पर आखिरकार क्या सचमुच नीतू कपूर को अपनी पोती होने की वजह से खुशी नहीं है या फिर बात कुछ और है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले आलिया के लिए एक लाइक जरूर कर दें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बीते दिन रणबीर कपूर की प्यारी ब्यूटीफुल बीवी आलिया भट्ट ने मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में एक अच्छी खासी स्वस्थ बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद से इनके रिश्तेदार इन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में ही पहुंच गए थे। और ठीक नीतू कपूर भी अपनी बहू और अपनी पोती से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची थी, लेकिन जब ये गाड़ी से उतर रही थी तब इनकी मीडिया वालों ने इन्हें घेर लिया। तब इनके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन देखे गए, जिसे देखकर तो नहीं लग रहा था कि अपनी पोती होने की वजह से बहुत ज्यादा खुश हुई हैं। इनके चेहरे पर हल्की फुल्की मुस्कान देखने को मिली, जिसे देखकर महसूस हो रहा था कि आलिया भट्ट की प्यारी बेटी और अपनी पोती के होने से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। पर इन्होंने मीडिया वालों के सभी सवालों का जवाब देते हुए बहुत अच्छे से बताया कि आलिया बहुत ज्यादा खुश है, बेटी भी बहुत प्यारी हुई है, और इतना बोलकर ये तुरंत गाड़ी से उतरकर चली गई। जी हाँ, इनके चेहरे पर एक्साइटमेंट और खुशी देखने को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि रणबीर कपूर पहली बार पिता बने हैं और इनके कपूर खानदान में बहुत सालों बाद किसी परी ने जन्म लिया। वेल, नीतू कपूर को सचमुच अपनी पोती की खुशी नहीं है या फिर बात कुछ और है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको नीतू कपूर के रिएक्शन पर क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।